दोस्तों, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन रतलाम जिले में है, जो इसे भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बनाता है। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड RTM है। सबसे व्यस्त और आबादी वाले भारतीय राज्यों में से एक मध्य प्रदेश के हिस्से के रूप में रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के शीर्ष 100 ट्रेन टिकट बुकिंग और ट्रेन यात्रा स्टेशनों में से एक है। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं। मध्य प्रदेश में स्थित रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली मुंबई मुख्य लाइन पर एक प्रमुख रेल जंक्शन है। 4 प्रमुख रेलवे ट्रैक हैं जो रतलाम शहर से गुजरते हैं। ये दाहोद, फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज जंक्शन, नागदा जंक्शन और चित्तौड़गढ़ जंक्शन के साथ हैं। रतलाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के माध्यम से इंदौर और नीमुत से जुड़ा हुआ है। रतलाम भारत के प्रमुख स्टेशनों पुणे, सोलापुर, यशवंतपुर, पुरी, जोधपुर, अहमदाबाद, आसनसोल, गया, मुंबई आदि से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन के रतलाम रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। कुल 7 प्लेटफॉर्मों वाले इस रेलवे स्टेशन में कुल ट्रैकों की संख्या 10 है। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्रमुख लाइनों में न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन शामिल है। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन है। रतलाम पश्चिम रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन और मंडल मुख्यालय भी है। 15 अगस्त 1956 को रतलाम मंडल अस्तित्व में आया था। रतलाम रेलवे स्टेशन स्टेशन रोड बापूनगर रतलाम मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दोस्तों, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन एक ए ग्रेड का रेलवे स्टेशन है। रतलाम जंक्शन के नज़दीकी बड़े रेलवे स्टेशनों में नागदा जंक्शन 39 किलोमीटर, उज्जैन जंक्शन 77 किलोमीटर, दाहोद जंक्शन 99 किलोमीटर आदि मुख्य रूप से शुमार हैं। दोस्तों, बात अगर ट्रैफिक की करें तो मैं आपको बता दूं कि रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 60,000 पैसेंजर्स आवाजाही करते हैं। वहीं ट्रेनों के परिचालन के बारे में आपको बता दूं कि रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन में 199 ट्रेनें रुकती हैं, जबकि क्रमशः 16-16 ट्रेनें यहां से खुलती हैं और जिनका कि यहां पर लास्ट स्टॉपेज है। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन में रुकने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनों में त्रिवेंद्रम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जयपुर मुंबई बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस, मुंबई बांद्रा टर्मिनल जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ओखा बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इंदौर दाउद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मडगांव चंडीगढ़ गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, शालीमार भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस, मुंबई बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार एक्सप्रेस, बरौनी मुंबई बांद्रा टर्मिनल अवध एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस, कोचुवेली चंडीगढ़ केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। दोस्तों, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास रुकने के लिए आप इन होटलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, होटल सिल्वर इन 750 मीटर, स्टेट हाईवे 10 मऊ रोड, रेलवे कॉलोनी रतलाम। फोन नंबर 0741240616। नंबर 2, होटल अमीगो 990 मीटर, स्टेशन रोड शास्त्री नगर रतलाम। नंबर 3, होटल JMC इन 690 मीटर, गुजरात स्वीट मार्क, बापूनगर रतलाम। नंबर 4, होटल समता सागर पैलेस, मऊ रोड नियर बस स्टैंड समता नगर रतलाम।
फोन नंबर 07441123223, नंबर 5 होटल श्री पैलेस एंड रेस्टोरेंट 1.6 किलोमीटर अजंता टॉकीज रोड साजन प्रभा मैरिज गार्डन के सामने न्यू रोड शास्त्री नगर रतलाम। फोन नंबर 09302116924, नंबर 6 होटल बालाजी सेंट्रल 2.9 किलोमीटर श्री अरविंद मार्ग सैलाना रोड जीटीपी एकेडमी के सामने रतलाम। फोन नंबर 09165280000, नंबर 7 तिरुपति पैलेस 2.4 किलोमीटर आबकारी कंपाउंड सरसराय रतलाम। फोन नंबर 09301620566 आदि। दोस्तों, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास घूमने के लिए कई सारे शानदार जगह मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से धोलावाड़ बांध रतलाम, धोलावाड़ इको टूरिज्म पार्क रतलाम, महालक्ष्मी मंदिर रतलाम, कालिका माता मंदिर रतलाम, कैक्टस गार्डन सैलाना रतलाम, कीर्ति स्तंभ सैलाना रतलाम, श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर रतलाम, बिरला मंदिर नागदा रतलाम, कुंड वाली चामुंडा माता मंदिर, अष्टपद जैन तीर्थ श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर बिलपांक, मांगल्य मंदिर, गढ़ खंखाई माता जी, सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य रतलाम, माही बजाज सागर बांध आदि शामिल हैं। दोस्तों, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से रतलाम बस स्टैंड की दूरी मात्र 2.7 किलोमीटर की है, जहां तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा अथवा निजी वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नज़दीकी एयरपोर्ट्स में इंदौर एयरपोर्ट लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन एक NSG 3 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। बात अगर स्वच्छता की करें तो मैं आपको बता दूं कि रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में 100वां स्थान है। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन में मौजूद प्रमुख सुविधाओं में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन काउंटर, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम, फुट ओवरब्रिज, एस्केलेटर, फ्री वाईफाई, डिसेबल्ड व्हीलचेयर, डॉर्मेट्री, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, टी स्टॉल, बुक स्टॉल, पार्किंग, फूड स्टॉल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सीटिंग सेड, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड आदि शुमार हैं। दोस्तों, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन में ट्रेन संबंधित पूछताछ हेतु 139 और 077-086-05102 पर डायल किया जा सकता है। तो दोस्तों, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे YouTube चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।